एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो नजरिया आप समझ ही जाओगे, क्या वास्तव में आज के दिन आपको एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए? ये पूरा हिल रहा है, ये तो बहुत इरिटेट करती होगी, बहुत ज्यादा। भाई दोस्तों, आप क्या कर सकते हो कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस हाई जा रहे हैं, डीजल के प्राइसेस हाई जा रहे हैं, तो हमारी भी मजबूरी आपको एक किफायती वेरिएंट लेकर के आए आपके सामने, जो आपकी जेब के ऊपर बिल्कुल भी भारी ना पड़े। आप बहुत सारे प्रीमियम क्वेश्चन हमें पूछते रहते हो कि यार सीएनजी लगवानी है गाड़ी के अंदर लेकर के, तो कौन सी सही रहेगी? तो आज जानते हैं कि होंडा अमेज जो है वो आपके लिए कितनी खरी उतरती है, और हमारे से ज्यादा क्यों ना इसके ओनर को बुलाया जाए, वो आपको ज्यादा बढ़िया ढंग से जो है सारी चीजें बता देंगे। तो ये ध्रुव की गाड़ी है, ध्रुव प्लीज आइए। वेलकम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, और आप सभी लोगों का भी स्वागत है, और साथ के साथ आप भी अपना जो ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी छोड़ दिया है, तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी गाड़ी के बारे में डिटेल्स बताइए, हमारी कॉल आपके पास 100% आएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये गाड़ी जो है ध्रुव, ये सीएनजी को ध्यान में रखते हुए ही चूज करी थी क्या? हाँ, अच्छा, बेसिकली क्योंकि इसका बूट सबसे बड़ा था उस सेगमेंट में, अच्छा, और स्पेस भी अच्छा खासा था, और ग्राउंड क्लीयरेंस भी सबसे ज्यादा ही थी इस सेगमेंट में, तो इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट करी। मतलब आपको बूट भी चाहिए था सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद जो है? हाँ जी। तो सीएनजी सिलेंडर कितने किलो का लगवाया? 14 kg, 14 किलो का इनका, तो आती तो वही लगभग 8 किलो के आसपास होगी, आती है फुल टैंक। ठीक है, ये कौन सा वेरिएंट है वैसे? ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है। अच्छा, बेस वेरिएंट है, ई बोलते हैं इसे। ओके, तो भाई साहब भी बेस वेरिएंट के फैन है, एक्चुअली मैं भी हूँ, क्योंकि वो ज्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी होता है हमेशा की हमेशा। तो ये सीएनजी आपने लेते ही लगवा ली थी क्या? नहीं, सीएनजी गाड़ी लेने के बाद मेरे को 5 साल की वारंटी मिली थी, बट मैंने 5 साल की वेट नहीं करी, 2 साल चलाई, 17,000 किलोमीटर जैसी हो गई, और 2 सर्विस कंपनी से हो गई, उसके बाद मैंने सीएनजी बाहर से लगवा ली थी। अच्छा, तो ये जो आपने लेते ही लगवा ली थी क्या? नहीं, ये मैंने 2 साल ऑलमोस्ट चलाई थी पेट्रोल पे, अराउंड 17,000 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद लेती मैंने सीएनजी पे कन्वर्ट करा ली थी, और तब से अभी तक 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, 9,000 किलोमीटर सीएनजी पर। आप सीधी सी बात पूछ लेते हैं जो कि अक्सर पूछते हो, खुश हो इसमें सीएनजी लगवा करके? हाँ, अगर पेट्रोल के प्राइस देखो तो बहुत ज़्यादा, अदरवाइज भी गाड़ी अच्छी चल रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हाईवे पे भी लेके गया हूँ, पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सही है? हाँ, पहाड़ों में कहाँ तक, मतलब कितनी रेंज निकाल देती है अगर एक सिलेंडर की अगर बात करते हैं? अगर एक सिलेंडर हाईवे पे चलाएं तो 210 तक चल जाती है, 210 के आसपास चल जाती है हाईवे पे। हाँ, मतलब फिर भी मारुति का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो निकल जाती है, वो 250 तक भी पहुंच जाती है, कहीं की 230 तक जो है वो टच करती है, तो 230-250 के आसपास ये आपको 210 चल जाती है हाईवे पे। ग्राउंड क्लीयरेंस वगैरह को लेकर के कोई समस्या नहीं हुई? नहीं। कितने की पड़ी थी? 6,32,000 की आपको ये पड़ी थी। चलो, अभी क्या लग रहा है कि भाई आपने सही जगह पैसे लगाए हैं, या मारुति की तरफ थोड़ा सा रुझान है? मारुति की तरफ सीएनजी को देखते हुए तो हाँ, एनी डे, और सर्विस कॉस्ट ऑब्वियसली मारुति की थोड़ी कम है, तो सब कुछ देखते हुए तो मारुति की तरफ थोड़ा ध्यान है, बट ओवरऑल कंफर्ट वाइज सब कुछ अच्छी गाड़ी है, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। अच्छी बात है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जबकि सारे लोग जो है आजकल, अगर किसी को 7 लाख के आसपास का अगर बजट है तो थोड़ा सा और पैसे डाल करके एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ भागता है। हाँ जी, ठीक है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी हो जाती है दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा सा। तो आपका ऐसा नहीं बना कि यार काश, इनफैक्ट अगर मारुति का एक अलग ब्रेजा टाइप की गाड़ी ले लेते? टाइम पे मेरा बजट इतना ही था, अच्छा, मैक्सिमम 7 तक, और उसमें इतनी कोई अच्छी गाड़ी आ नहीं रही थी। इनफैक्ट इसको लेने के 1-2 महीने के बाद ही ड्राइवर आ गई थी, पर वो 1000cc में आई थी, और रेनॉ का सीएनजी में क्या वर्जन आएगा, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो इतना आइडिया था नहीं मेरे को। मारुति में कोई ब्रेजा के अलावा कुछ था नहीं, जो कि 9 point something की पड़ रही थी, वो भी मेरे बजट से थोड़ा सा ऊपर ही थी। तो बेसिकली मेरा बजट इतना था, मेरे को हैचबैक इसलिए नहीं लेनी थी क्योंकि उसमें सीएनजी लगाने के बाद स्पेस कम हो जाती है, सेडान में थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल रही थी, और इसमें सबसे ज़्यादा बूट लीटर 420 liters का बूट है। हाँ, ये तो है यार, इसमें अभी भी जगह मिल जाती होगी, अभी भी काफ़ी, कोई इशू नहीं है, 2-3 bag आराम से आ जाते हैं, मतलब बूट बचा हुआ है दोस्तों। हाँ जी, 4 बंदों का ट्रिप आराम से हो जाता है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने जब ये गाड़ी ली थी, हाँ जी, तो और कोई गाड़ी जो है वो चला करके देखी थी क्या? मैंने, मेरे को ह्यूंडाई नहीं लेनी थी बेसिकली। हाँ, तो ह्यूंडाई के मैं घूम फिर के वही आ रहा था, ले देकर के और आका मैं पूछता इनसे तो मेरे को ह्यूंडाई लेनी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसी क्या नफरत होगी, क्योंकि मेरे फैमिली में भी और 2-3 लोगों के पास ह्यूंडाई, फ्रेंड्स वगैरह के पास ह्यूंडाई थी,
तो ह्यूंडई की एक तो किसी भी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस नहीं थी, प्लस सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ह्यूंडई की। उनकी नॉर्मल सर्विस अगर मैं i20 देखूँ तो नॉर्मल सर्विस आती थी उनकी 9-10 हज़ार रुपये। हाँ ये तो है, लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, वो ये कि जो मारुति से तंग रहते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा इश्यू रहता है कि भाई थोड़ा सा जल्दी खड़खड़ा जाती है गड्ढों के अंदर, तो वो ह्यूंडई की तरफ जाना जो है वो चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ह्यूंडई को स्किप कर दिया और उसके बाद ये होंडा की तरफ गए। तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? इसकी सर्विस कॉस्ट अगर मैं फर्स्ट सर्विस देखूँ पेड तो 3-3.5 हज़ार आई थी, सेकंड सर्विस मेरी अराउंड 5.2 या 5.3 के आसपास आई थी। अभी भी अंदर ही करवा रहे हो? नहीं, अभी अब ड्यू हो गई है इसकी सर्विस, पर अब जो मेरी, क्योंकि एक तो कम वारंटी वर्ड हो गई है, वारंटी तो तभी चलेगी जैसे लगवाया था, चलेगी थी। हाँ। और प्लस मेरे पास शुरू से गाड़ियां रही हैं तो मेरे को इतना पता है कि गाड़ी में कब क्या जरूरत है, तो मैं बाहर से ही कराऊंगा। आई होप आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली होगी। नहीं नहीं, मेरे को फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली होंडा का कि मेरे को 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी के साथ ही मिली थी। अच्छा, गाड़ी के साथ ही मिली थी उनका। तो वो अगर सुनो, आप अगर लगवाना चाहते हैं CNG तो देखो वारंटी तो आपकी चली जाती है, जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर दिया जाता है ना वो लेने की जरूरत ही नहीं, वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑफर मिल भी रहा है साथ में तो आप उसकी बजाय अपने पैसे कटवा लो उसमें, भैया ये ऑफर नहीं चाहिए, भले ही वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार जितना भी कम का कर दें, कम करेंगे वो अपने आप हो जाएगा उसके अंदर। तो ये पेट्रोल में कितनी एवरेज देती है दोस्त? पेट्रोल में अगर हाईवे पे चलाएं तो 16-17-18 भी दिया है उसने मेरे को, बट हाँ लोकल 12-13। लास्ट पेट्रोल कब डलवाया था? लास्ट पेट्रोल लास्ट वीक। मैम हर अल्टरनेट वीक में 500 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये भी कि आप जो पेट्रोल है वो लगातार बदलते भी रहे। कई लोग क्या करते हैं कि एक बार अगर ज़्यादा पेट्रोल डलवा लेते हैं और CNG उनकी गाड़ी होती है तो वो पेट्रोल वही पड़ा रहता है। तब्दीली होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो वो एक चीज़। कम्फर्ट वाइज ये कैसी गाड़ी लगती है आपको? कम्फर्ट वाइज तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है, चलने में बहुत अच्छी है। सस्पेंशन थोड़ा बहुत लाइट है तो दिक्कत आती है अगर आप हाई पहाड़ों पे जा रहे हैं, और वैसे तो आवाज़ थोड़ी बहुत करती है सस्पेंशन बेसिकली, अदरवाइज सिटिंग बैठने में स्टेयरिंग वेयरिंग बहुत स्मूथ है। होंडा का इंजन है तो आवाज़ भी नहीं है ऐसे कुछ, CNG लगाने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं है सच, तो कोई इशू ऐसा नहीं है अदर देन सस्पेंशन। हाल ही के अंदर इसके अलावा कोई आपने गाड़ियाँ चला करके देखी CNG के अंदर, CNG कंपनी फिटेड? कंपनी फिटेड तो नहीं चलाई है मैंने, बाहर से लगी हुई मैंने 2-3 गाड़ियाँ चलाई थी। इनफैक्ट मैंने सिटी भी चलाई थी, मैंने बरीनो चलाई थी जो कि मेरे ही घर में है, और हाँ बस अभी तो यही दो चलाई। सिटी का तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्लास चली होगी, कोई इशू नहीं था। इवन बरीनो में भी आई गेस कोई इशू नहीं था, ना पिकअप में ना लैग में, और उसकी एवरेज तो बहुत ही अच्छी है। क्यों ना हम चलती चलती गाड़ी के अंदर ही बाकी जो है वो चीज़ों को बात करें, आपसे ज़्यादा क्लियरिटी आपको भी हो जाएगी और मेरे को भी पता चल जाएगा आखिर चल कैसी रही है, आपको रिकमेंड करूँ या ना करूँ, ठीक है? तो चलिए चलती गाड़ी में बात करते हैं। गाड़ी में ना कंफर्ट की बात हम लोग एक बार आपको बीच में बता देते हैं कि कैसा है ड्राइव करने से पहले, कि इसके अंदर लेग रूम कितना मिल रहा है। मेरी हाइट 6 फीट, आप सभी को पता ही है, तो मेरे को ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से ही सेट है। लगभग मेरे को इतना यहाँ पर लेग रूम मिल रहा है दोस्त, और हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भले ही आपके पास 6 एडजस्टेबल ना भी हो ना सीट, तो भी आपको अच्छी खासी जो है विजिबिलिटी बनी रहेगी आपकी। अब मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ कि अगर मेरे हिसाब से सेट है तो पीछे जो है वो आपको कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे। भर भर के, मतलब कि आपको लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है यहाँ पर। और अगर मैं 3 बंदों की बात करता हूँ तो 3 पतले बंदे बिल्कुल बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे 2 एडल्ट और 1 बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर बैठ पाएगा। रिक्लाइन एंगल जो है सीट का वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है, इनकी जो कॉम्पैक्ट आजकल सेडान आ रही है ना, सभी कंफर्टेबल ही है। ओरा जो है उसका जो है थाई सपोर्ट इससे थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन थाई सपोर्ट इसमें भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। भाई दोस्तों, क्योंकि ये एक सेडान गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सेडान लगा लीजिए, तो आपको थोड़ा सा नीचा होकर के तो ज़रूर बैठना पड़ेगा, एक कॉम्पैक्ट SUV वाली फील तो नहीं आएगी। अब मैं आपको ना गाड़ी स्टार्ट करके बता देता हूँ कि कैबिन नॉइस कितनी है सबसे पहले। तो कुछ इस टाइप की कैबिन नॉइस है गाड़ी के अंदर,
होंडा के जो इंजन है वो सुपर साइलेंट होते ही, आप सभी को पता ही है। सीएनजी की जो है वो अक्सर जो है वो लाइट दिखाती रहती है, मतलब कि पेट्रोल नहीं होता उस गाड़ी के अंदर ज्यादातर है। कुछ इस टाइप का जो है वो भाई ने सिस्टम लगवाया हुआ है। ये कौन सा है वैसे? सारे एक ही जैसे एक ही जैसे आते हैं। ये हाइपरसोनिक आता है एक, तो वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये साउंड सोनिक करके जी 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 ऑलमोस्ट कोई फर्क है नहीं वैसे, बस रेंज का ही थोड़ा सा फर्क है। एसी ऑन करते हैं, एसी ऑन करने पे हल्की वाइब्रेट होती है, वो तो सभी गाड़ियाँ ही होती हैं वैसे। ये कंपनी में मैं 3-4 बार चेक भी करा चुका हूँ, जब वो वहाँ से ठीक करते हैं तो वो हफ्ता भर ठीक चलता है, उसके बाद ऐसा होता है फिर से। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये पूरा हिल रहा है, ये तो बहुत इरिटेट करती होगी यार। जरूर उतना बुरा नहीं है, आप जितना कह रहे थे कि पहले और दूसरे के अंदर जो है वो थोड़ा, पहले दूसरे गियर में कभी जब आप स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी तो लगता है थोड़ा सा, जितना थर्ड और फोर्थ में अच्छी चलती है ना ये, उतना ही मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा कम चलती है। बिल्कुल ही, मतलब ये जो अगर गियर शिफ्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बिल्कुल ही मक्खन है यार, बिल्कुल ही मक्खन। बस यही फायदा है होंडा का थोड़ा सा। इसके बेस मॉडल में आपको पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, चारों पावर विंडो, एबीएस, एबीडी, एबीडी सब कुछ मिल रहा था, तो फिर सारी चीजें ही मिल जाती हैं। तो वही कहते हैं कि बेस वेरिएंट हमेशा ही, हाँ जी, बशर्ते आप बहुत ही ज्यादा फीचर गिमिक लवर ना हो, ठीक है, जो गिमिक फीचर्स होते हैं वो लवर ना हो तो आप हमेशा बेस वेरिएंट की तरफ जाइए, वो आपके 90% चीजें बाहर से लग जाती हैं। बिल्कुल चाहने की सारी चीजें आ ही जाती है, अगर इसके अंदर सिर्फ आपने स्टीरियो ही तो लगवाना था एक तरीके से। ये आपकी एक अच्छी बात लगी कि आप हाँ पेट्रोल जो है वो चेंज करवाते रहते हो। ध्रुव तेज स्पीड पे आपकी स्टेबल कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी वगैरह? अगर आप 110-115 तक चला रहे हैं तो बहुत अच्छी है, जैसे अभी 80-70 तक चलती है वैसी ही है, पर आप थोड़ा सा और तेज करते हैं, जैसे हमारे एक्सप्रेस वेज है कहीं जहाँ पे हम चला सकते हैं, तो मैंने मैक्सिमम 150 तक चलाई है, तो 120 के ऊपर तो नहीं। 150 तक चलेगी? हाँ मैंने एक ही बार चलाई थी। अच्छा। चली गई थी, कोई इशू नहीं हुआ। सीएनजी में मैंने 140 तक चलाई है, बट मेरे को लगता नहीं कि नहीं चलानी चाहिए। वो तो है ही यार, जब तक बहुत ही ज्यादा मजबूरी ना हो, ठीक है। बट यार मैं एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि 2000 आरपीएम के आसपास जैसी थोड़ा सा क्रॉस करती है तो केबिन जो नॉइस है ना वो बढ़ जाती है। वो बड़ा हद तक डिपेंड करता है कि आपके टायर कौन से हैं, उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। मेरे को टायरों की नॉइस जो है ना वो ज्यादा आ रही है यहाँ पर। अच्छी चल रही है यार सीएनजी में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आप उठा सकते हो। हाँ, आज के दौर के अंदर तो बिल्कुल आप उठा लो। आपको सीएनजी कितने की पड़ी, ये कितने की लगवाई थी आपने? सीएनजी मेरे को उन्होंने जब लगवानी थी मेरे को उन्होंने बोला 38,000 और विद पेपर्स। देखो सीएनजी के मामले में सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन ही लगवाना, कोई कोताही मत बरतना, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप गाड़ी तो सेफ ले लोगे, कई लोग पुराने सिलेंडर पुराने किट वगैरह लेकर के जुगाड़ कर लेते हैं, वो बिल्कुल मत करना दोस्तों। मिसिंग की कोई कभी कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक? तो टच अभी तक नहीं आई ना। पूरा का पूरा जो है आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई क्या है कि सेटिंग कैसी कर रखी है आपकी सीएनजी की। कभी कभार लगता है, और ख़ास तौर पर जब आपने बहुत सारी सीएनजी गाड़ियां चला रखी हैं ख़ास तौर पर मारुति का, तो आपको पहले या दूसरे के अंदर कई बार जब रुक करके एकदम से एक्सेलेट करते हो ना, तब थोड़ा सा लाइक वहां पे थोड़ा सा दबती है, वो चीज़ फील होती है। बट यार ठीक है, इतना तो चलता है। बट एक और चीज़ है, इसमें एडवांसर लगा हुआ है, तो एडवांसर से पिकअप काफी फर्क पड़ता है और काफी अच्छा आ जाता है। देखो यार सिंपल सी बात है, प्रीमियम हैचबैक की बजाय मैं तो कहूंगा कि इसके ऊपर जाना ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि एक सेडान वाली फीलिंग भी आपको आ जाएगी, दिखने में भी अच्छी है गाड़ी, आपका बूट का यूज भी हो जाएगा, कंफर्टेबल भी है गाड़ी, साइलेंट भी है ये गाड़ी, ऐसा नहीं है, ठीक है, और सीएनजी में भी कामयाब है। स्विफ्ट का बेस भी 6 लाख का है, टियागो का बेस से एक मॉडल ऊपर 6 लाख का था, इग्निस का डेल्टा वर्जन 6 लाख का था, तो अगर मेरे को 6 लाख में सेडान मिल रही है तो क्या ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात है यार। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो नजरिया आप समझ ही जाओगे, क्या वास्तव में आज के दिन आपको एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए आज के दिन? क्योंकि स्पेशली जब 3-4 साल बाद के अंदर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक तो आप इतनी महंगाई के ऊपर एक नई गाड़ी के ऊपर खर्चा करोगे, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी वो इतना सस्ता चलेंगी तो आपको वैसे दुख होगा, फिर इसके अंदर क्या है कि आपका आप वारंटी को संभालने के चक्कर में ना तो सीएनजी लगा पाते हो ना कुछ और करते हो, तो आपका पैसा ईंधन के तौर पे भी जो है वो ज्यादा खर्च होगा, तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा,
सिर्फ खर्चा ही खर्चा, लाइबिलिटी मतलब वही चीज है, आपको मजा नहीं आएगा। इससे बढ़िया वही है कि एक यूज गाड़ी लेकर के उसके अंदर एक कम पैसे के अंदर आपको यूज गाड़ी जो है वो मिल जाएगी यहाँ पर, और कम पैसे के अंदर यूज गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवाओ, और उसका फिर बेफिक्री का मलक जो मजा जो है ना वो अलग ही है। ठीक है, अगर खराब भी चल रही है तो क्या कहो यार, 2-3 लाख रुपए की गाड़ी और कैसे चलेगी। ठीक है, ठीक है, तो सरदर्दी वो खत्म हो जाती है, जो टेंशन फ्री सा हो जाता है फिर बंदा। और कोई ऐसी बात आप हमारे दर्शकों के साथ बताना चाहें कि भाई इस गाड़ी को ना लेकर के इसके ऊपर चले जाओ तो ज्यादा बढ़िया? इस सेगमेंट में मेरे को नहीं लगता अभी कोई इस रेंज में स्पेशली कोई गाड़ी और है इस टाइम पे। हाँ। डिजायर है, पर डिजायर में आपको फिर थोड़ा सा बूट स्पेस से, लेग रूम से, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ। बट हाँ, आपको नो डाउट एवरेज अच्छा मिलेगा और हाँ। थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा, 8-10 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। फिर सेफ्टी के हिसाब से हो जाता है, सेफ्टी कम हो जाती है उसमें। हाँ। इसमें 4 की रेटिंग आ रखी है एनकैप की। सबसे बड़ी बात है पहाड़ों में ग्राउंड क्लियरेंस ही होता है, तो इसमें सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में है, तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और हम 5-5 बंदे भी गए हैं इस गाड़ी में बूट फुल करके, जब सीएनजी नहीं थी बिल्कुल, तो कोई इशू नहीं है। मतलब कि आपके लिए वीडियोस इस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि इनको देख करके आप डिसाइड कर सको कि भाई आप अगर ये डिसीजन ले रहे हो तो ले कि ना ले डिसीजन। आई होप कि बात बातों के अंदर आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, गाड़ी अच्छी चली रही है, पेट्रोल के अंदर बढ़िया है। और पेट्रोल के अंदर एवरेज कितने की दे देती है ये फिर? अगर आप लोकल चलाएं तो 13 की 13 की। हाँ जी, हाईवे पे एआरए अगर मैं पहाड़ों और हाईवे बात करूं तो 16 की दे रही थी। अगर मैं खाली हाईवे एक्सप्रेस वे की बात करूं तो 18-19 दे देती। वेल थैंक यू सो मच ध्रुव भाई, आप आए, थैंक यू, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इससे हेल्प जरूर मिली होगी कि आपको सीएनजी के अंदर कौन सी गाड़ियों के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2-व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो दी गई ईमेल आईडी के ऊपर अपना जो है डिटेल्स हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल अवश्य आएगी और फिर मिलने का टाइम निर्धारित करते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।